स्टूडेंट्स, आई एम इकबाल आरफिन। एंड जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे स्पेशल रूल्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, और मैंने आपसे कहा था कि मैं स्पेशल रूल्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस में इम्परेटिव सेंटेंस से बना इम्फैटिक और इम्परेटिव विथ लिट का प्रयोग बताऊंगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। चलते आइए हम लोग चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल रूल्स ऑफ इम्परेटिव इम्फैटिक इम्परेटिव्स। इम्फैटिक इम्परेटिव्स क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस जो एक सिंपल साधारण सा सेंटेंस से जो होता है उसमें इम्फैटिक सेंटेंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या है इम्परेटिव सेंटेंस? जो वर्ब से शुरू होता है इम्फैटिक सेंटेंस में, वर्ब से ठीक पहले डू का प्रयोग किया था सेंटेंस को इम्फैटिक बनाने के लिए। तो इम्फैटिक बनाने के लिए हम किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस के पहले ठीक वर्ब से पहले डू का प्रयोग करेंगे वह सेंटेंस इम्फैटिक बन जाएगा। इम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार। जैसे सिंपल सा सेंटेंस हो सिट हेयर, तो सिट हेयर का मीनिंग होता है यहाँ बैठे, और इसमें अगर हम डू का प्रयोग करते हैं और इम्फैटिक बनाते हैं तो डू सिट हेयर। डू सिट हेयर का मतलब होता है यहाँ अवश्य बैठे, मतलब जोर देने वाली बात होगी, है ना। तो यहाँ पे आप डू का प्रयोग करके सेंटेंस को इम्फैटिक बना रहे हैं। तो आज हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में इसी को जानेंगे कि ये इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होगा, इसके लिए कौन सा रूल अपनाया जाएगा। तो आइए हम लोग आते हैं बोर्ड की ओर और देखते हैं क्या है इसका रूल। तो इम्फैटिक इम्परेटिव्स, नोट पॉइंट में मैंने लिखा है कि इफ़ इम्परेटिव सेंटेंस इज रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट नेशन बिगिन विथ डू, है ना। कहने का मतलब होता है कि डायरेक्ट नेशन के रिपोर्टेड स्पीच में अगर इम्परेटिव सेंटेंस डू से स्टार्ट होता है, है ना, डी ओ डू का प्रयोग किया जाता है ठीक वर्ब से पहले सेंटेंस को टू मेक इम्फैटिक, है ना, सेंटेंस को इम्फैटिक बनाने के लिए, तो वी यूज रिक्वेस्ट आस्क कमांड इंस्टेड ऑफ रिपोर्टेड वर्ब। सॉरी, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच लिखा गया है, रिपोर्टिंग वर्ब होगा, है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सेज सेज सेड के रूप में रहता है, आप उसको चेंज करके रिक्वेस्ट आस्क और कमांड के रूप में लिखेंगे जब इम्फैटिक सेंटेंस होगा। तो जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, फर्स्ट एग्जांपल है रंजीत सेड टू मी, रंजीत ने मुझसे कहा डू सीट हेयर, यहाँ अवश्य बैठें या यहाँ बैठे ना, इस तरह से कहा जा सकता है। तो रंजीत सेड टू मी डू सीट हेयर। अब ये रंजीत जो है वो एक इम्फैटिक सेंटेंस का प्रयोग किया गया, अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो इसका सेंटेंस हो रंजीत रिक्वेस्टेड, या फिर उसकी जगह आस्क लगा सकते हैं या फिर कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। तो रंजीत आस्क्ड या रंजीत रिक्वेस्टेड या रंजीत कमांडेड टू मी टू सीट हेयर, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं सोनू, सोनू सेड प्लीज़ डू हेल्प मी। अब आप देख रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में भी प्लीज़ डू हेल्प मी ये भी आपका इम्फैटिक सेंटेंस है। तो अब डायरेक्ट स्पीच में इसे चेंज करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा सोनू रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज़ लगा है तो रिक्वेस्टेड लगना ही लगना है, और डू का प्रयोग जब होता है इम्फैटिक में तो रिक्वेस्ट का ही वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसकी जगह पे आस्क कमांड लगाते हैं। यहाँ रिक्वेस्टेड या ये आस्क्ड, इन दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे। तो सोनू रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, या फिर सोनू आस्क्ड टू हेल्प हिम, मी की जगह यहाँ हिम का प्रयोग किया गया क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सोनू, यानी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है इसलिए हिम में बदल गया। तो ये था इम्फैटिक सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस का। अब आइए इम्परेटिव सेंटेंस विथ लेट, यहाँ आप देख रहे हैं नीचे में मैंने अगला टॉपिक लिखा है इम्परेटिव विथ लेट। इम्परेटिव सेंटेंस कुछ ऐसे होते हैं जिसमें लेट का प्रयोग किया जाता है, लेट लगाकर वो इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। तो लेट लगाकर जो सेंटेंस बनता है लेट मी गो, लेट मी स्पीक, लेट हिम गो, इस तरह का जो सेंटेंस आता है वो भी एक इम्परेटिव सेंटेंस ही कहलाता है इम्परेटिव विथ लेट। इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए कौन कौन से नियम होगा, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। आइए सो पहले जानते हैं रूल्स डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नेशन में चेंज करने के लिए इम्परेटिव विथ लेट के लिए। पहला रूल है वी यूज प्रपोज सजेस्ट इंस्टेड ऑफ से, रिपोर्टिंग वर्ब से जो है उसकी जगह पे आपको क्या करना है प्रपोज या सजेस्ट का प्रयोग करना है जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। सेकेंड रूल वी यूज दैट इंस्टेड ऑफ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, जैसा कि आपको मालूम है इम्परेटिव सेंटेंस का जब
रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नेशन में बदलने के क्रम में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पे टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे दैट का प्रयोग करना है। दूसरी थर्ड रूल में आते हैं, वी यूज नॉमिनेटिव केस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में जो आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा यानी हिम मी अस देम, ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसको नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है। दैट के बाद फोर्थ रूल है, वी यूज शुड इंस्टेड ऑफ लेट इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में लेट को हटाकर आप उसकी जगह पे शुड का प्रयोग करें, यानी जब आप ऑब्जेक्टिव से नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं तो फिर उसके बाद आपको शुड का प्रयोग करना है। जैसा कि एग्जाम्पल दिया है, मोहन सेड टू अस लेट अस स्प्लिट टुगेदर। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, मोहन प्रपोज्ड या मोहन सजेस्टेड अस दैट वी या दे। वी या दे का प्रयोग इन दोनों में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। वी और दे का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि अगर आप सजेस्ट कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन को कर रहे हैं ये प्रूव है ना, या फिर आप खुद को भी कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर रहे हो तो यहाँ पे आप अस के जगह पे ये जो अस लगा है इसकी जगह पे आपको वी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर थर्ड पर्सन के रूप में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो दे का प्रयोग कर सकते हैं। तो वी और दे इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं और उसके बाद शुड लग गया प्ले टुगेदर। अब आप देखिए सेकेंड एग्जाम्पल की ओर, सुमन सेड टू मी लेट हिम स्पीक फर्स्ट। अब इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो होगा, सुमन सजेस्टेड मी डैट ही शुड स्पीक फर्स्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हिम जो था वो ऑब्जेक्टिव केस है और यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में ये नॉमिनेटिव केस बन गया, उसके बाद शुड का प्रयोग कर दिया गया स्पीक फर्स्ट। तो ये है आपका इंपरेटिव विथ लेट का प्रयोग। अब हम लोग आगे चलेंगे स्पेशल रूल्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। थैंक यू।